सभी देश प्रदेश व क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक धीरेंद्र कुमार गुर्जर, अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना प्रदेश सचिव एवं प्रधानपति, ग्राम जोखाबाद सिकंदराबाद बुलंदशहर। सभी देश प्रदेश व क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गजराज सिंह, पूर्व विधायक कांग्रेस हापुड़। जब कोई अपना तिरंगा किसी दूसरे मुल्क में लहराता है तो वो हर भारतीय के लिए फख्र की बात होती है। वैसे ही ओलंपिक में तिरंगा लहराने के लिए भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ जी जान लगाते हैं बल्कि देश के लिए मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, उस दौरान सरकारों की ओर से खिलाड़ियों के लिए तमाम घोषणाएं भी की जाती है, मगर समय बीतने पर देश के लिए मेडल जीतने वाले उन खिलाड़ियों को भुला दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जहां साल 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले वरुण सिंह भाटी के लिए उस वक्त की तत्कालीन राज्य सरकार ने जो घोषणा की थी वो आज तक पूरी नहीं हो सकी। अर्जुन अवार्ड प्राप्त कर चुके वरुण भाटी ने वर्तमान सरकार पर पैरा एथलीट प्लेयर्स के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है। नोएडा निवासी वरुण भाटी ने 2016 में देश के करोड़ों लोगों का सपना पूरा करते हुए पैरा ओलंपिक में हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर न सिर्फ पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया बल्कि तिरंगे की भी शोभा बढ़ाई। मेडल जीतने के बाद केंद्र सरकार ने पुरस्कार राशि की घोषणा की थी, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी वरुण को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। मगर यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पूरी न हो सकी। वरुण के पिता कई बार लखनऊ जा चुके हैं लेकिन हर बार उन्हें पॉलिसी बनने की बात कहकर टरका दिया जाता है। आरोप यहां तक है कि उन्हें अर्जुन अवार्ड की अभी तक पेंशन भी नहीं मिली है। पीएम हमेशा कमजोर और दिव्यांगों की हौसला अफजाई करते नजर आते हैं। ऐसे में दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप यूपी सरकार के नुमाइंदों पर कई सवाल खड़े करता है। देखिए, परेशानी यही है कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और ये बहुत दुख की बात है कि जो भी मेरे साथ के प्लेयर्स हैं, जो कि हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, तमिलनाडु से हैं और जितने बाकी स्टेट से हैं, उनके स्टेट उन्हें काफ़ी अच्छी तरह ट्रीट करती है और काफ़ी जो भी उनके मेडल आए हैं उनको एक ऑनर देती है, तो वो ऑनर काफ़ी एक हौसला देता है बाकी आगे मेडल लाने के लिए। मैंने ओलंपिक्स के बाद मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मेडल जीता है और उसके बाद फिर मैंने 2018 में एशियन गेम्स में भी मेडल जीता है, लेकिन किसी यूपी ऑफिशियल ने मुझे कोई ऑनर नहीं किया है, ना ही उन्होंने कभी मुझसे पूछताछ की है कि कैसे एथलीट और कैसे आप आगे लाते हैं। लेकिन परेशानी यही है कि ना ही मुझे अर्जुन अवार्ड की अब तक पेंशन मिली है जो कि उनकी पॉलिसीज़ में है, और ना ही मुझे जो कि मेरे अर्जुन ओलंपिक मेडल के लिए, ना ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल के लिए और ना ही एशियन गेम्स की मेडल के लिए जो भी उनकी कैश प्राइज मनी है वो भी मुझे अब तक नहीं मिली है। इतना सब कुछ सहा है आपने, क्या शिकायतों का जो दौर है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है? कि देखिए, उनकी अभी कोई भी पॉलिसीज़ नहीं है, जैसा मैं हर बार आपसे बता रहा हूँ कि कोई पॉलिसीज़ नहीं है, और हर बार जब भी उनसे आप पूछने जाएंगे तो उनका ये कि जवाब रहता है कि पॉलिसीज़ बन रही हैं अभी और अब कुछ दिनों बन जाएंगी, और उनकी पॉलिसीज अब तक 3 साल हो गए लेकिन अब तक उनकी कोई भी पॉलिसीज़ में कोई भी सुधार नहीं है। मैंने काफ़ी ट्वीट किया है, काफ़ी सोशल मीडिया पर भी मैंने काफ़ी अपनी अवेयर किया लोगों को और अपनी बात रखी है आगे, लेकिन फिर भी वहाँ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं है। और बाकी मैं कोशिश करते रहूँगा, मुझे ये भी नहीं पता कि जब उनकी पॉलिसीज बन जाएंगी तो वो मुझे पुराने मेडल्स का भी कैश प्राइज उनको भी ऑनर करेंगे या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश जारी है अभी और मैं जब तक पॉलिसीज नहीं बनती हैं मैं इस बात पर काम करता रहूँगा। वरुण, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है वो पैरा
जो एथलीट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सौतेला व्यवहार है। जी मैं हर एक क्वेश्चन में मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि हमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। और एक और एथलीट हैं जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं, सचिन चौधरी जी जो मेरठ के हैं, वो भी काफ़ी उनके पीछे पड़े हैं। वो हमें आई थिंक उनका वो सप्ताह में आई थिंक 2-3 बार मिनिस्ट्री में कॉल करते हैं, लेकिन उनके साथ भी एक अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है। वहाँ से भी उनके पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है। तो हम सारे जितने भी एथलीट्स हैं, पैरा एथलीट्स हैं यूपी के, वो सब लगे हुए हैं इस काम में कि पॉलिसीज़ बने और फिर जो कि एथलीट जो भी अच्छे लेवल पे हैं वो उनको नौकरी मिल सके, जॉब मिल सके, और उनके जो मेडल्स हैं उनको वे उन मेडल्स का कैश प्राइज वगैरह सब उनको मिल पाए। वरुण का कहना है कि फिलहाल कोई उनकी सुध नहीं ले रहा। खेल मंत्रालय की ओर से भी अभी तक उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद वरुण अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। भूपेश प्रताप, ग्रेटर नोएडा, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।